निमराना औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन MNB कंपनी में टीन शेड लगाते समय नीचे गिरने से एक श्रमिक घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई। कंपनी में काम कर रहा उसका बड़ा भाई प्रबंधन व ठेकेदार से घायल को अस्पताल ले जाने के लिए मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन संवेदनहीनता की इतनी हद हो गई, किसी ने भी कोई मदद नहीं की और करीब एक घंटे तक तड़पने के बाद आखिर श्रमिक ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने कंपनी प्रबंधन एवं मालिक सहित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मृतक यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का निवासी था। पुलिस के अनुसार कंपनी में शुक्रवार को टीन शेड लगाने का काम चल रहा था। वहां यूपी के लखीमपुर खीरी जिला अंतर्गत धारा गांव निवासी 21 वर्षीय अमित कुमार पुत्र मंगूलाल लोहार करीबन 50 से 60 फीट ऊंचाई पर काम कर रहा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से अमित नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। वहीं पास में ही काम कर रहा उसका बड़ा भाई अनंत राव दौड़कर मौके पर पहुंचा। अनंत राव ने बताया कि अमित की हालत देखकर कंपनी प्रबंधन व ठेकेदार और अन्य लोगों से घायल को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन मांगने की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद उसके भाई की मौत हो गई। सर मैं कोई सेफ्टी नहीं थी सर, ऊपर टीन सेट का काम कर रहे थे और सर वहाँ से कोई सेफ्टी कंपनी वाले ने नहीं दी। जब टीन सेट का काम कर रहे थे मेरे भाई का पैर फिसल गया, गिर गया सर। तो कंपनी प्रबंधन क्या बोल रहा है? कंपनी प्रबंधन के पास सर कॉल किया गया तो बोल रहा है मर गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठेकेदार भाग गया सर। पुलिस वाले बोल रहे हैं मैं उसके घर पे गया था, जब मिला नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो किसी तरह की कोई सुविधा वगैरह अभी तक आपको उपलब्ध कराई है? कोई सुविधा सर नहीं मिली, ना तो कोई ठेकेदार आया, ना तो पुलिस अपने आप से बर्फ लेकर आए थे तब सर यहाँ पर लगाए थे, और सर पुलिस भी कोई कार्रवाई सर अभी तक नहीं हुई मेरी। मृतक के भाई ने कहा कि उसने मैनेजर को भी कहा कि उसके भाई को अस्पताल ले चलो या साधन उपलब्ध करा दो, फिर भी कंपनी मैनेजर का दिल भी नहीं पसीजा और उसने डांट लगाते हुए कहा कि पुलिस को फोन कर दिया है, वो अपने आप ले जाएंगे। आखिरकार घायल अमित ने करीब एक घंटे बाद उसी स्थान पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने रिपोर्ट में बताया कि निर्माणाधीन कंपनी में श्रमिकों के पास सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था तथा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए। आलम यह है कि कोई भी श्रमिक घायल होने की स्थिति में कंपनी के अंदर फर्स्ट एड के बॉक्स तक उपलब्ध नहीं थे। पुलिस ने 21 वर्षीय मृतक अमित कुमार के भाई अनंत राव की रिपोर्ट पर MNB कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर और ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। औद्योगिक क्षेत्र घिलौट में MNV फैक्ट्री में कार्य कर रहे एक मजदूर की कार्य करते समय गिरने से मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई द्वारा ठेकेदार तथा कर्मचारी व फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है, जिस पर FIR दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।